हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं प्रियंका, मिसेस प्रियंका फैमिली ब्लॉग्स में आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। तो जी देखिए, सुबह का टाइम यहाँ पर हो गया था। अभी फिलहाल यहाँ पर मैं कर रही हूँ रक्षित का लंच बनाने की तैयारी। तो जी जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने रात को कढ़ी चावल बनाए थे। तो बस यहाँ पर मैं सोच रही हूँ कि रक्षित को भाई का चावल ही मैं जो है फ्राई करके दे दूँ। यानी कि कह लीजिए कि चावल को जैसे कि हम दोबारा फ्राई करते हैं प्याज टमाटर वगैरह डाल के, तो बस वही मैं देने वाली हूँ। और फिर ये रहता है कि रक्षित जो है चावल वगैरह थोड़ा अच्छे से पेट भर के खा लेता है। तो यहाँ पर मैंने अपने लगभग चावल जो है वो छोक लिया है। अभी बारी आती है रक्षित का लंच तैयार करने की। और तो यहीं पे देखिए, साथ के साथ रक्षित के पापा रक्षित को नहला रहे थे और उसको जो है वो तैयार कर देंगे। तो बस ये है कि थोड़ा बहुत मेरा हाथ जो है वो बढ़ जाएगा। और फिर ये था कि आज जो है हमारी लाइट मतलब सुबह से कह लीजिए बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही थी, क्योंकि एक तो ये कि आ रही थी जा रही थी, आ रही थी जा रही थी, और बीच में ये हो रहा था कि कभी फुल आ रही थी और कभी यानी कि बहुत ही कम लाइट आ रही थी। इस तरीके की सिचुएशन आज हो रही थी। तो मुझे यहाँ पर डर लग रहा था कि भाई क्योंकि आरओ वगैरह ना फूक जाए, गीजर वगैरह ना फूक जाए, या फिर फ्रिज है, एसी वगैरह है। तो बस यहाँ पर मैंने सबके स्विच ऑफ कर दिए हैं। बस सिर्फ अपनी एलईडी वाली जो लाइट है वो सिर्फ मैंने यहाँ पर ऑन रखी है। और आप लोगों को आगे पता भी लगेगा कि भाई वीडियो में किस तरीके से लाइट जो है लुकजुप लुकजुप करने लग रही थी। तो बस इसी के चलते मैंने अपना सब सारे स्विच जो है मेन लगा कि भाई कहीं चीजें जल ना जाए, नुकसान ना हो जाए। फिर कहते ना कि भाई मंगलवार का दिन है और छठ जाएगा तो फिर पूरा दिन बिल्कुल भारी भारी रहेगा। तो बस यही था। अभी फिलहाल मैंने रक्षित का लंच जो है वो लगभग पैक कर दिया है और साथ के साथ रक्षित के पापा ने नहला दिया है रक्षित को। तो अभी उसको वो छोड़ ही आएंगे, यानी कि ये रहेगा कि उनको तैयार व्यार करके रक्षित के पापा ही छोड़ के आएंगे। क्योंकि देखिए उनका ये काम रहता है फिक्स, यानी कि कभी कभार रहता है कि भाई वो नहीं होते घर पे, तब मैं रक्षित को नहला देती हूँ सुबह के टाइम पे। वरना एक दो काम होता है ना भाई घर के आदमी का फिक्स रहता है बिल्कुल, हाँ भाई ये उनको ही करना है, ये उनके ही हिस्से का काम है। उस तरीके का हमारे घर का रूटीन बना हुआ है। क्योंकि रक्षित को नहलाना और उसको कपड़े पहनाना, स्कूल में छोड़ के आना, स्कूल से लेके आना, और यानी कि घर पे पूजा पाठ करना, तो ये चीजें जो है रक्षित के पापा के हिस्से में आती है। बाकी जो भी काम होता है सारा मैं कर लेती हूँ। तो ये है कि अगर उनके पास टाइम होता है तो वो करवा देते हैं लगभग, वरना अदरवाइज ये रहता है कि रक्षित को नहलाने का धुलाने का काम मेरा हो जाता है। और ये है कि छोड़ के रक्षित के पापा ही आते हैं और लेके भी रक्षित के पापा ही आते हैं उसको स्कूल से। तो बस उसके बाद रक्षित चला गया था और ये मेरे कल के कपड़े रखे हुए थे। कल जो है मैं बहुत ही ज्यादा लेट हो गई थी फ्रेंड्स कपड़े उतारने में, यानी कि कह लीजिए कल शाम को 7:30 बजे मुझे याद आया कि भाई मैंने कपड़े जो है छत पे सुखाए हैं। पता नहीं कैसे मतलब दिमाग एकदम से भूल गया कि भाई मैंने कपड़े वगैरह भी सुखाए हैं और वो भी उतार के लाने, एकदम से दिमाग से ही निकल गया वो। तो एकदम से याद आया मुझे कि भाई मैंने भी कपड़े छत पे डाले हैं, हाय लेके आने हैं। तो 7:30 बजे के करीब जो है मैं कपड़े उतार के लाई थी। फिर उसके बाद जो है मुझे टाइम नहीं मिला, खाना वाना बनाने लग गए थे, फिर आप लोगों के लिए व्लॉग डालना था, तो बस उसी में मैं लगी रही। तो कपड़े वगैरह जो है मैं कल फोल्ड नहीं कर पाई थी, तो इसीलिए अभी सबसे पहला काम मैंने यही किया है। यानी कि कह लीजिए चावल फ्राई हो गए हैं, तो मेरे और रक्षित के पापा का ब्रेक फर्स्ट है वो भी यही हो जाएगा, और रक्षित का भी लंच हो गया था। तो बस अभी है कि खाने की इतनी हैडिक है नहीं, क्योंकि खाना लगभग ये लगा लीजिए 10:30 बजे के आसपास ही खाया जाएगा। तो तब तक मैंने कहा कपड़े वगैरह मैं फोल्ड कर देती हूँ। और यहाँ पर रक्षित के पापा भी नहा लिए हैं अभी फिलहाल और रक्षित को भी छोड़ आए हैं। तो तकरीबन 9 बजे के आसपास का टाइम होगा अभी, और अभी ये कर लेंगे अपनी पूजा पाठ। और बस तो देखिए यहाँ पर आ गए थे शनि महाराज, या फिर जो आते हैं ना भाई बाबा वगैरह आते हैं, मतलब भाई दक्षिणा लेने के लिए कोई कोई आटा लेने आता है, तो बस वही रक्षित के पापा ने उनको जो है खुले पैसे दिए। और तो बस उसके बाद मैंने यहाँ पर पी अपनी थोड़ी सी चाय, और चाय बनाई थी फ्रेंड्स रक्षित के पापा ने। कुछ कुछ काम जो है मैं पति के हिस्से पे भी लगा देती हूँ। और कभी कभी ना सुबह उठते ये हो जाता, नहीं बस आज तो इनसे ये चीज करवानी है तो मतलब करवानी है, चाहे कहते ना भाई लड़ाई झगड़ा करके ही करवानी है, बस मनवानी है तो वो चीज चाहिए ही चाहिए। तो यही वाली बात मेरे हो जाती, कभी कभी उठते ही ना ये हो जाता बस नहीं आज तो ये चीज यही करेंगे चाहे किसी भी तरीके से हो। तो वही वाला मेरे साथ भी हुआ, तो मैंने चाय जो है आज रक्षित के पापा के हाथ से ही पी। और हालांकि वो इतना मतलब ये भी नहीं होता कि भाई नहीं बनाते हैं, जैसे ही मैं उसको एक दो बार बोलती हूँ तो वो बना के दे देते हैं। फिर उसके बाद देखिए मैं यहाँ पर आ गई थी रक्षित की अलमारी को सेट करने के लिए, तो टाइम था मेरे पास। और आज मैंने एक और मतलब सुबह सुबह उठते ये जो अपना निर्णय होता है ना बिल्कुल पक्का वाला, यानी कि कह लीजिए मैंने ठान लिया था कि भाई आज जो मैं बीच में फोन नहीं छूंगी, बिल्कुल भी फोन नहीं चलाऊंगी, बिल्कुल भी इंस्टाग्राम वगैरह नहीं देखूंगी। वरना होता ही है कि काफी बार ना मैं बीच बीच में फोन में घुस जाती हूँ, बीच बीच में रील्स देखने लग जाती हूँ, बीच बीच में मैं अपना ही वाइट स्टूडियो खोल के देखने लग जाती हूँ। मतलब उस चीज में ना काफी सारी चीजें लगा लीजिए आप लोग, बहुत सारा टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है। बट मैंने सोचा था कि आज मैं काम जो है वो करूंगी सबसे पहले, और उसके बाद ही जो है मैं अपना काम मतलब ये लगा लीजिए फोन वगैरह को अपना छेड़ूंगी। तो ये लगा लीजिए कि आज जो मेरा काम है तकरीबन 9:30 या 10 बजे तक मैक्सिमम हो गया था, क्योंकि देखिए अभी 9 बजे के आसपास रक्षित
को छोड़ आए थे, तो झाड़ू वगैरह मेरा यानी कि कह लीजिए लग गया था, बेड वगैरह भी मेरा जो है वो क्लीन हो गया था, कुछ कुछ थोड़ा बहुत रहता है तो वो भी हो जाएगा। और बस अब उससे पहले जो मैं रक्षित के कपड़े वगैरह छाटने लग गई थी, क्योंकि अभी गर्मी काफी सारी पड़ने लग गई है, और तो दूसरा ये रहता है कि रक्षित भी मुझे परेशान करता है, फिर उसको ये रहता है कि उसको ये वाली जींस की पैंट पहननी है, ये वाली पजामे पहननी है, वो पूरा दिन जो इस अलमारी में घुसा रहता है। तो मैंने यहाँ पर ये सोचा कि मैं जो रक्षित की ये कह लीजिए कि निक्कर वगैरह होती है, शॉर्ट्स वगैरह होती है, वो सिर्फ मैं रखती हूँ, बाकी सारे कह लीजिए फुल स्लीव की टी शर्ट है, तो जी टी शर्ट वगैरह थी, लोअर वगैरह थे, वो जींस की पैंट वगैरह थी, वो सब मैंने हटा दिए हैं और बेड में रख दिए थे स्पेस वगैरह बना के। वैसे तो बेड में स्पेस था ही नहीं, बट जो है कोशिश की भाई वो सारे कपड़े रखे जाए, और वो सब मैंने हटा दिए हैं। अब मैक्सिमम ये लगा लीजिए कि डेली वेज के कपड़े जो है उसके मैंने बहुत ही कम पहनने के रखे हैं, जो कि रही भी गर्मियों में उसके अच्छे से चल जाए। और अभी फिलहाल उसके बाद में आ गई थी किचन में, अलमारी जो है वो मेरी क्लीन हो गई थी अच्छे से, बेड वगैरह भी जो मैंने लगा लीजिए बिल्कुल अच्छे से सेट कर लिया था अपना, झाड़ू वगैरह भी मेरा यहाँ पर निकल गया था, उसके बाद में आ गई थी यानी कि कह लीजिए किचन में। और अभी फिलहाल आज ये लगा लीजिए दूध लस्सी वगैरह हमारा घर से आया नहीं था, तो ये कल की हमारी दही बची हुई थी और कुछ परसों की बची हुई थी, तो उसकी जो है मैंने यहाँ पर लस्सी बना दी है, और कुछ ये मक्खन निकला है, कुछ ये लगा लीजिए ज्यादा नहीं निकला है, क्योंकि मलाई वगैरह दूध की पहले से ही निकाल ली जाती है तो मक्खन उतना नहीं निकलता है, बट ये था कि चलो कुछ नहीं लस्सी जो है वो हमारी अच्छे से बन गई है। तो यहाँ पर जो मैंने कल रात को बनाया था यानी कि घाट का दलिया, तो बस उसी की यानी कि उसको मैं यहाँ पर बनाऊंगी, क्योंकि रक्षित के पापा पी के और फिर जो है अपने काम पे चले जाएंगे, तो उनको भी थोड़ी सी भूख कम लगेगी, और तो सुबह जैसे कि चावल हमने खा लिए थे एक बार हम ये पी लेंगे, तो लंच अगर हम 12 बजे के आसपास भी करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात उसमें होती नहीं है। तो यहाँ पर फिर मैं बनाने लग गई थी अपने करेले, तो भरवा करेले मैं यहाँ पर नहीं बना रही हूँ, मैं इस बार जो है करेले कट करके बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर प्याज वगैरह छील लेती हूँ और करेले जो है मैंने वो चॉप कर लिए, और यहाँ पर मैंने करेले के जो छिलके वगैरह होते हैं हमारे वो भी मैंने अभी फिलहाल इसी में ही रखे हैं, क्योंकि वो भी मैं जो है अपनी सब्जी में डालने वाली हूँ, और साइड में जो मैंने मेरी रात की थोड़ी सी कड़ी बची थी उसको भी बॉईल कर लिया है, क्योंकि काफी बार होता है भाई खाने की इच्छा हो जाती है तो हम इसको खा भी लेंगे, अदरवाइज जो है नहीं भी खाएंगे, देख लेंगे जैसा भी रहेगा। फिलहाल के लिए मैंने इसको जो है बॉईल कर लिया है, और जैसा भी होगा खाएंगे कि नहीं खाएंगे वो तो आपको दिखाऊंगी मैं। तो अभी फिलहाल यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है और उसमें तेल डाल दिया है, तेल में मैंने जीरा डाला है और हींग डाली है, और हींग डालने के बाद जो अभी फिलहाल मैंने इसमें प्याज और अपना लहसुन डाल दिया है, आप लोग चाहे तो अदरक भी डाल सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं कि भाई इसमें हम जो है अदरक नहीं डाल सकते हैं, अपनी अपनी इच्छा होती है। और यहाँ पर मुझे जो है गर्मी लग रही थी तो मैंने सिर में आप लोग देख रहे होंगे दो दो क्लेचर लगा रखे हैं, क्योंकि क्या रहता है ना फ्रेंड्स गर्मी में बहुत ही ज्यादा ये लगता है जब फेस पे बाल आते हैं ना तो बस ये रहता है बहुत ही ज्यादा, और मैं इसी रीजन से जो है ना बालों की कटिंग वगैरह करा के रहने लग गई थी पीछे, पर अभी जो है मैं नहीं सोच रही हूँ, सोच रही भाई बाल मेरे थोड़े से लंबे हो जाए तो काफी अच्छे लगेंगे, तो बस इसी हिसाब से जो मैं इनको लेके अपने साथ ही चल रही हूँ यानी कि बढ़ाती जा रही हूँ। तो अभी फिलहाल देखिए सब्जी मैंने लगभग अपनी तड़का जो है वो तैयार हो गया, उसके बाद मैं यहाँ पर लगा लेती हूँ आटा, तो आटा मैं इसी प्रकार से लगाऊंगी कि मेरा शाम तक चल जाए। अब आप लोग सोचेंगे भी शाम तक क्यों चलाना है, क्योंकि आज रक्षित के पापा जाने वाले हैं बालाजी, तो ये लगा लीजिए कि शाम को सिर्फ मेरा ही खाना बनेगा, और रक्षित भी लगा लीजिए कितना खाता है वो, तो बस उसका और मेरा ही थोड़ा बहुत बनेगा जो भी बनेगा। तो मेरे को ये था कि सब्जी भी बची जाएगी यही वाली, और रोटी भी आटा मैं लगा के रख लूंगी फ्रिज में तो वही काम आ जाएगा, तो बस उसी लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा आटा लगाया, और उसी के साथ मैंने यहाँ पर अपने मसाले में डाल दिए थे करेले के छिलके, और उसके बाद मैंने यहाँ पर डाल दिए थे यानी कि ये अपनी सौंफ है, हम इसमें सौंफ डाल देते हैं, तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा कड़वापन होता है, कड़वास होता है, वो करेले का निकल जाता है। और ये लगा लीजिए काफी हद तक जो है हमारे करेले जो है ठीक ठाक बनते हैं, या कड़वास जो है काफी हद तक जो है कम हो जाता है, काफी अच्छे जो है वो बनते हैं। तो बस सौंफ मैं हमेशा ही डालती हूँ, यानी कि कह लीजिए जब मैं भर के करेले बनाती हूँ तब भी मैं डालती हूँ, और अगर मैं कट करके बनाती हूँ तो भी मैं डालती हूँ। तो जी बस अभी उसके बाद यहाँ पर मेरा आटा भी लगभग जो है लग गया था, अभी फिलहाल इसको रख देते हैं रेस्ट के लिए, क्योंकि रोटी जो है मैं अभी नहीं बनाने वाली हूँ, उससे पहले मुझे एक दो काम और करने हैं। तो बस ये था कि रोटियां वगैरह जो मैं बाद में बनाऊंगी गरम गरम जब भी खाएंगे, तो जैसे कि आज मेरा काम काफी जल्दी हो रहा है तो बस ये था कि फटाफट कर लेते हैं और उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, क्योंकि वरना फिर ये रहता है कि भी बच्चा भी स्कूल से आ जाता है, फिर उसके कपड़े चेंज करो, उसको कुछ खिलाओ पिलाओ, दूध पिलाओ उसको, मतलब सुलाओ, तो उसमें भी काफी सारा ये लगा लीजिए कि एक घंटे के आसपास हमारा टाइम जो है वो चला जाता है। तो बस और तो फ्रेंड्स उसके बाद में मिल रहे आप लोगों को शाम को, तो शाम की मैं यहाँ पर कर रही हूँ दिया बत्ती अपनी, और तो बस रक्षित के पापा जा चुके हैं यानी कि बालाजी चले गए हैं, वो तो बस हम ही मम्मी बेटा थे घर पे, तो रक्षित यहाँ पर बोल रहा है कि मम्मी मुझे जो है पाथा रखना है, और अपने आप ही बोले जा रहा था कि जय हो लड्डू की जय हो, बाबा की जय हो, माता की जय हो, इस तरीके से जय हो जय जो है वो बोलता ही जा रहा था। तो काफी अच्छा मुझे यहाँ पर लगा कि भाई बच्चा जो है, क्योंकि हम जब खाटू श्याम गए थे आप लोगों ने देखा होगा व्लॉग्स में, तो वहां पर नारे जो लगा रहे थे कि भाई हारे के सहारे की उस प्रकार से, तो जय हो का वो उसको वहां से सीख गई, और बच्चे के सामने अगर हम कोई भी चीज एक बार कर देते हैं ना तो बहुत ही जल्दी पकड़ता है और काफी जल्दी उसके दिमाग
दिमाग पर वो चीज बैठ जाती है, तो बस वही वाली बात थी, उसने यहीं पर फिर से रिपीट कर दिया है। और अगर आप लोगों ने मेरा खाटू श्याम वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज देखिएगा जाके, काफी अच्छा है और आप लोगों को भी खाटू श्याम जी के दर्शन हो जाएंगे इसी बहाने से। तो जी बस उसके बाद फिर मैं आ गई थी अंदर रूम में। अभी ये कपड़े मेरे रहते हैं प्रेस करने के लिए, जो कि मैंने सुबह छाटे थे, तो मैं इनको प्रेस कर लूंगी, क्योंकि हो सकता है कि भाई कल भी मैं अपने भाई मशीन वगैरह लगा लूं, क्योंकि मैं सोच रही हूँ मेरे जो पर्दे वगैरह है वो भी काफी गंदे हो रहे हैं फिलहाल, क्योंकि मेरे को याद नहीं है मैंने कब धुले थे, तकरीबन 3-4 महीने पहले ही धुले होंगे इनको। तो बस मैं सोच रही हूँ कि इनको धुल के प्रेस करके अच्छे से टांग दूं, कल कपड़े ज्यादा है नहीं, बट ये था कि पर्दे वगैरह हो जाएंगे और 1-2 जोड़ी कपड़े हो जाएंगे, तो कल जो है अच्छे से वॉश हो जाएगी और फिर परसों वीरवार है तो कपड़े वगैरह भी जो है हमारे ठीक ठाक से धुल जाएंगे और ज्यादा भी कपड़े जो है मुझे नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स मुझे यहाँ पर ये अच्छा नहीं लगता है कि भाई हम लोग काफी दिन के कपड़े इकट्ठे करके धोएं, काफी लोग होते हैं भाई पता है 4-4 दिन के, 5-5 दिन के, 6-6 दिन के भी कपड़े धुलते हैं, बट मुझसे उतना नहीं हो पाता है। मैं जो अपना अपना काम यानी कि लगा लीजिए डेली के हिसाब से कर लेती हूँ, और अब तो मैं ये कह लीजिए कि बहुत ही कम मशीन लगाती हूँ, वरना पहले जो था मैं बहुत ही ज्यादा मशीन लगाती थी, यानी कि ये लगा लीजिए तकरीबन डेली सिर्फ वीरवार को छोड़ के जो है मैं डेली अपने कपड़े वगैरह धुलती थी। तो बस अभी है कि थोड़ा सा बिजी शेड्यूल हो गया है, आप लोगों के साथ कांटेक्ट जो हो गया है मेरा, तो उस हिसाब से अभी तो उतना मैं नहीं कर पाती हूं, बट ये है कि थोड़ी बहुत हेल्प मैं ले लेती हूं, जैसे कि मैंने अभी यहां पर रक्षित को भी अपने काम पे लगा दिया था, तो यही है कभी पति को काम पे लगा देते हैं, कभी बच्चे को लगा देते हैं, क्योंकि अकेले तो सब कुछ करना बहुत ही मुश्किल होता है। अभी देखिए यहां पर मैं अगर प्रेस छोड़ के चली जाती हूं, रक्षित अगर उसको हाथ लगा लेता तो भी यहां पर दिक्कत थी, तो बस इसी हिसाब से। और वैसे भी कहते हैं ना कि छोटे बच्चे को थोड़ा थोड़ा सिखाना चाहिए ताकि वो आगे जाके हमारी हेल्प करे, और अगर हम उसको कुछ भी नहीं सिखाएंगे तो आगे अगर हम उसको कोई काम बोलते कि बेटा नहीं ये करना है ऐसे करना है, तो वो हमें कोई भी काम करेगा नहीं और सीधा हमें बोल देगा कि मुझे नहीं करना आप खुद कर लो, तो ये चीज भी हो जाती है, मैंने काफी जगह देखा है। और अगर हम बच्चे को छोटे छोटे टास्क जो होते हैं ना भाई ये देने लग जाए, जैसे वो खिलौनों से खेल रहा है और हम उसको ये बोल दें कि बेटा आप ये टॉयज वापस उठा के रख दो खेलने के बाद, ये नहीं कि भाई वो खेल रहा है तभी बोल दो, खेलने के बाद उसको बोल दे बेटा इसको उठा के रख दो, मैं इसी प्रकार से बोल देती हूँ। और मैं उसको क्या बोलती हूँ, मैं उसको ये बोलती हूँ बेटा जल्दी से खिलौने अब आपने खेल ले उठा के रख दो वरना जस्सू आके ले जाएगा। तो मैं इस तरीके से जो है उसको थोड़ा थोड़ा देके चलती हूँ कि भाई अगर वो बुक वगैरह पे कलरिंग कर रहा है या फिर कुछ और काम कर रहा है तो उसको मैं बोल देती हूँ बेटा अब हो गया ना अब रख दो इसको, तो वो जहां से लेता है वहीं पर वो चीज कुछ कुछ रख देता है, मैं ये नहीं कहूंगी कि भाई वो प्रॉपर रख देता है, बट ये है कि देखो कुछ कुछ वो करने लग जाता है। और मेरे हिसाब से अगर मैं अभी से उसे हैबिट डालूंगी तो आगे जाके जो है वो थोड़ा ठीक ठाक रहेगा, ये नहीं रहेगा भाई काफी लोगों के ये होता है कि भाई बच्चे वगैरह पूरा घर फैला के रखते हैं, बच्चे काम नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि भाई जैसे हमारे यहाँ पर एक फैमिली रहती थी वो भी अपने बच्चों से काफी काम करवाती थी, ऐसा नहीं है मतलब काफी बच्चे बड़े थे, जैसी हैबिट हम अपने बच्चों को डालते हैं स्टार्टिंग में वो वैसी ही पकड़ते हैं। तो इसी हिसाब से मैं भी सोच रही हूँ कि भाई अब बेटे को थोड़ा सा कुछ ना कुछ ये होना चाहिए कि भाई ये नहीं कि सिर्फ वो खेल रहा है तो बिखेर रहा है कोई बात नहीं हम बाद में उठा देंगे, तो हमें बच्चों से ही कहना चाहिए कि बेटा नहीं आप ऐसे करो आप ऐसे नहीं, क्योंकि हम सिखाएंगे तभी तो बच्चा सीखेगा, क्योंकि हमें भी कोई चीज सिखाई जाती है तभी हम सीखते हैं, कोई भी पहले से सीख कर नहीं आता है, सब लोगों को सीखना पड़ता है। तो यही चीज मैं थोड़ा सा रक्षित के साथ भी करने की कोशिश कर रही हूँ कि भाई थोड़ा थोड़ा उसको बोलती रहूँ, जैसे कि मैंने अभी उसको बोला कि बेटा मुझे पानी पीना है आप पानी लेके आओ, तो वो पानी लेके आया, बट ये है कि उससे भरा हुआ गिलास नहीं आया, उसने कम से कम ये लगा लीजिए भरे हुए से थोड़ा सा कम पानी लेके आया, बट उसने जो है मुझे पानी पिला दिया था। तो इस प्रकार की हेल्प जो है वो मेरा बेटा कर देता है अभी फिलहाल। और तो कुल ये लगा लीजिए कि 3 साल का भी फरवरी में हुआ है, तो 4थी साल में वो चल रहा है, तो उस हिसाब से ठीक ठाक है। और अभी देखिए ऊपर मैं प्रेस कर रही हूँ और वो नीचे जो है बैठ के खेल रहा है, तो इसी तरह से मेरे साथ साथ ही लगा रहता है कुछ ना कुछ करने में, और मुझे कुछ मतलब ये लगता है कि चलो कोई नहीं खेल ही रहा है तो ठीक है कोई बात नहीं, पर बच्चा इतना बहुत तो करता ही है। तो जी देखिए अभी मेरी यहाँ पर प्रेस भी हो गई है, तो कपड़ों को भी मैं लगा देती हूँ अलमारियों में, यानी कि कह लीजिए अपनी अपनी जगह पर लगा देती हूँ। यहाँ पर जो है अभी मेरा सीरियल आया हुआ था तो मैं वो देख रही थी, फिर उसके बाद मुझे यहाँ पर लगा कि भाई रक्षित के पापा नहीं है और मैं थोड़ा सा काम और कर लेती हूँ, क्योंकि ये वाली जो मेरी अलमारी है तो ये काफी दिन से मैंने इसको सेट नहीं किया। तो देखिए यहाँ पर मैंने रक्षित को अलमारी बंद करने के लिए बोला था, तो उसने जो है अपने ठुमके से कह लीजिए बिल्कुल एक एक गेट को कैसे बंद किया है, तो ऐसी नौटंकी जो है इसकी चालू रहती है, कुछ ना कुछ जो है ये करता ही रहता है। तो जी बस उसके बाद इसमें रक्षित की भी बुक्स रखी हुई है और ज्यादातर इसमें रक्षित के पापा की यानी कि किताबें हैं, उनका हिसाब किताब जो होता है कि भाई वो अपना जिसमें भाई अपना यानी कि ईट रोड़ी डस्ट वगैरह का हमारा मटेरियल का बिजनेस है जो भी है, मतलब उस हिसाब का वो जो अपना लिखते रहते हैं, तो ज्यादातर ये अलमारी लोकी रहते हैं, अगर बाई चांस खुली रह जाए तो उतना इशू भी नहीं होता कि भाई रक्षित जो है, क्योंकि वो सिर्फ अपने ही मतलब की किताबों को छेड़ता है। और फिर दूसरा क्या रहता है वो इसमें से यानी कि जो कार्ड होते हैं विजिटिंग कार्ड जो है रक्षित के पापा के वो ले लेता है और उनसे खेलता है, तो बस इसी
प्रकार से। मैं इसको ज्यादातर लो की रखती हूँ इसी वजह से। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पर इसको जो है क्लीन करने लग गई थी, क्योंकि देखिए आप लोगों को दिखने में भी लग रहा होगा कुछ कुछ जो है ये उबड़ खाबड़ सी हो रही है, फैली हुई हो रही है। तो बस इनको एक एक सारी किताबों को मैं बाहर निकाल लूंगी और उसके बाद जो फिर से वापस से सेट कर दूंगी। और इसी के साथ मैंने इसमें जो है सिर्फ के पैकेट रख रखे हैं, क्योंकि माँ जी ने ही गाँव में सिर्फ ये ले रखा था इतना सारा, तो वहीं से ही आया है। तो अभी ये लगा लीजिए 7 से 8 पैकेट मेरे पास अभी फिलहाल भी बचे हुए हैं। तो ये लगा लीजिए कम से कम 6 महीने या फिर 5 महीने आराम से जो है निकल जाएंगे इनमें, क्योंकि 1 किलो का एक पैकेट है। तो मैक्सिमम ये लगा लीजिए कि मुझे 1 ही किलो एक मंथ में लग जाता होगा या फिर थोड़ा सा ज्यादा, तो ये लगा लीजिए 5 महीने के आसपास जो है ये सिर्फ मुझे चल जाएगा। तो बस अभी फिलहाल बारी बारी जो है मैंने किताबें इकट्ठा कर दी है, यानी कि कह लीजिए रक्षित की एक साइड कर दी है, रक्षित के पापा की एक साइड कर दी है, और इसी प्रकार से जो है मैंने इसको बिल्कुल अच्छे से अंदर से क्लीन कर दिया है। और बाहर से तो देखिए मैं डेली डस्टिंग वगैरह करती रहती हूँ इसकी। तो अभी ये रक्षित की कलरिंग बुक थी और उसी के बाद जो है मैंने इसको लॉक कर दिया है अलमारी को, ताकि रक्षित जो है अलमारी में ना घुसे, क्योंकि उसको ये था कि मम्मी अभी गई है तो मैं अभी इसको थोड़ा सा छेड़ू कुछ करूँ। तो होता है ना बच्चे को, मम्मी कर क्या रही है, मैं देख लूँ थोड़ा सा। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, तो ये बर्तन थे लंच वगैरह के रक्षित के, स्कूल से आया था जबकि धुले हुए रखे हैं। तो बस इनको भी मैंने अभी लगा देती हूँ साइड में, और बस जो है किचन काउंटर भी इसी के साथ मैं यहाँ पर साफ कर दूंगी। और मैंने एक आध सब्जी जो है वो भी मंगा ली थी, यानी कि पेठे की सब्जी खाने का भी काफी मन कर रहा था, क्योंकि अभी जो है पेठा काफी अच्छा आने लग गया है और आंबी भी आने लगी है। तो खट्टी मीठी जो सब्जी होती है पेठे की काफी अच्छी लगती है, और उसके बाद जो है कटहल की सब्जी भी खाने की इच्छा हो रही थी, तो बस वो भी मैंने मंगा लिया है। और उसके बाद जो है अभी कटहल मैं बनाऊंगी नहीं, क्योंकि अभी तो मेरे सुबह के करेले बचे हुए हैं, तो उसी के साथ जो है मैं अपना खाना जो है डिनर कर लूंगी। और ये जो रक्षित के पापा कल आ जाएंगे तो उसके बाद फिर देखते हैं, क्योंकि वो पेठा बनवाते हैं कि कटहल बनवाते हैं। तो मैंने अभी फिलहाल के लिए कटहल को ना एक बाउल में पानी लेके उसके अंदर डिप करके छोड़ दिया है, क्योंकि उससे क्या रहेगा कि हमारा कटहल खराब भी नहीं होगा और ऊपर से काला भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि पानी में रखने से वो काफी यूं का यूं जो है बना रहेगा। उसके बाद ये 2-4 बर्तन थे, हमने खाना वगैरह खाया था, चाय वगैरह पी थी जैसा भी था, तो बस इनको भी मैंने यहाँ पर वॉश कर लूंगी साथ के साथ। और अभी फिलहाल मेरा लगभग जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है, तो अभी बस हम लोग करेंगे मम्मी बेटा रेस्ट, क्योंकि आज का दिन ज्यादा व्यस्त नहीं था, क्योंकि जब आदमी घर पे होता है तो कुछ ज्यादा ही व्यस्त हो जाता है। और रक्षित के पापा मैक्सिमम 1 बजे के आसपास जो है चले गए थे बालाजी, तो रात तक ही वो आएंगे, अदरवाइज जो है वो सुबह आएंगे जैसा भी रहेगा देखते हैं। तो बस उसके बाद मैंने यहाँ पर अपने बर्तन वगैरह भी धुल लिए थे। तो जी फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मेरा रहेगा इतना ही, अब मैं मिलूंगी आप लोगों से कल। उससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।